अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की पॉडकास्ट जो है उसमें हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है हु इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मुझे उनसे मिले हुए 2 साल हो गए हैं। 2 ईयर्स बैक ही मूव टू बेंटनविल और तब से मैं उनको जानता हूँ। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। सो प्लीज़ वेलकम महबूब उमर सर। कैसे हैं? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बेशक हमें 2 साल हो गए हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि आप कितने अच्छे बंदे हैं। और उसके बाद जो हमारी एक चीज़ जो मैच करती है उस पे हम लोगों ने आज बिल्कुल बात करने का सोचा है, बिल्कुल तो हम लोग उस पे बात करेंगे। बिल्कुल। सो आज की पॉडकास्ट जो है बेसिकली वो क्रिकेट के ऊपर नहीं है, इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एपिसोड टुडे। मोस्ट ऑफ यू जो हैं वो लाइक मे बी दे नो डोंट नो अबाउट WWE या उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, सो इट्स अ वेरी पर्टिकुलर नीश टुडे। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पसंद करते हैं WWE को, प्रीवियसली नोन एज WWF। सो जो एक पर्टिकुलर नीश है, आई गेस दे आर गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टुडे। उनके लिए ये जो आज का जो सेशन है इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, मज़ेदार होगा। एंड सॉरी फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल जिनको 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 पता ही नहीं है जिनको पता नहीं है लेकिन सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पर्टिकुलर पॉडकास्ट, लेकिन आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी फन टुडे। सो महबूब साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लाइक WWE जो है वो ऑब्वियसली हर बच्चा जो जिस टाइम स्कूल गोइंग होता है तो उनके कजन्स या दोस्त वगैरह देख रहे होते हैं, सो आपने वो कैसे स्टार्ट किया वो? जी मेरे तो पहले मैं अपने कज़न को इस चीज़ में इन्वॉल्व करूँगा कि उसने मुझे इसकी तरफ ले गया। उसका नाम काशिफ है, ही इज़ नाउ इन सऊदीया वर्किंग फॉर अ ऑयल गैस कंपनी। तो उसकी वजह से 1997 या 98 मुझे जहाँ याद पड़ता है मैं तब से उस देख रहा हूँ। और तब उस टाइम रॉक नया नया आया था, अंडरटेकर था, रिक फ्लेयर वगैरह, ये ट्रिपल एच थे, मतलब डी जनरेशन एक्स स्टार्ट हो गई थी। तो ब्रेट हार्ट भी था उस टाइम, राइट, शॉन माइकल्स काफ़ी एक्टिव पर्सन था, अभी तो जिस तरह हालात हैं उसके वो तो मैनेजर बन चुका है। बट अब मैं उस टाइम का देख रहा हूँ और DX वाले टाइम से, DX वाले, अभी वो DX बना भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ट्रिपल एच एज अ मतलब के सिंगल कंपीट करता था, शॉन माइकल सिंगल कंपीट करता था। उसके और बहुत अरसे बाद वो फिर एवोल्यूशन भी उनकी वो बनी थी। हाँ, एवोल्यूशन मेरे ख्याल 2004 में थी जब बैटिस्टा भी आ गया था। जो आप टाइमलाइन बता रहे हैं इट्स लाइक मोर अराउंड लाइक 99 या 2000। यस बिल्कुल, हाँ जी। और आई गेस मैंने भी शायद उसी टाइम पे स्टार्ट की थी, और उस टाइम पे शायद वो NWA होता था WCW के अंदर, वो शायद खत्म हो रहा था, एंड देन ज्यादातर लोग WWE की तरफ आ रहे थे। वो पहले WWF था, फिर WWE में कन्वर्ट हुआ, जो भी वजह थी को नहीं पता। लेकिन ये है कि उस टाइम से हम लोग इतने शौकीन मजाज हैं कि अभी तक देखते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैंने वैसे देखना काफ़ी कम, ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म कर दी थी, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग यूनिवर्सिटी, दैट वाज अराउंड लाइक 2009 उस टाइम पे। फिर आई गेस जब फिर दोबारा शायद मैंने तब थोड़ी सी देखना शुरू की जब ये रोमन रेंस वाला टाइम जब आया था, और अब मैंने शायद थोड़ी थोड़ी दोबारा देखना शुरू कर दी एवर सिंस आई हैव यू नो मेट यू। सो थैंक्स टू यू कि आपने वो एक जो मेरा पुराना वो एक शौक था जो उसको यू नो दोबारा से मुझे आपके शौक का तो अपनी वाइफ की वजह से पता चला ना। अच्छा, वो कैसे? वो आपकी कोलीग है और उसने ऑफिस में पता नहीं सुन लिया कि आप लोगों का दिल कर रहा है इवेंट देखने का। अरे नाइस। तो वो वहां से उसने मुझे बताया कि वो शायद इवेंट देखने जाएं, तो मैंने उनको कहा कि मेरे हस्बैंड को भी ले जाएं, तो इस तरह मुझे पता चला। सर ये तो आई थिंक फिर तो वो जो हम जो देखने गए हैं अभी उसका क्रेडिट उनको जाता है। नहीं नहीं बिल्कुल उनको जाता है, क्योंकि अगर वो ना पता चलता तो मुझे भी नहीं पता चलना था कि यू नो यू आर अ फैन ऑफ WWE। बिल्कुल ऐसी बात, इनफैक्ट मतलब लाइक जिस तरह जो मैंने आपको नोट किया था, आप जो करंट जो एरा के जो रेसलर्स हैं आपको उनका भी पता है यू नो, और अभी यू नो काफ़ी मुझे रेसलर्स का नहीं पता था, तो लेकिन जब मैं आपसे मिला हूँ आपके साथ थोड़ी सी देखी है मैंने तो यू नो फिर मुझे आइडिया हुआ। अच्छा, और एक चीज़ वो अक्सर लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं या आई गेस जो उसके अगेंस्ट बोलते हैं WWE के कि यार ये तो सारी स्क्रिप्टेड है। सो मेरा उस पर ये स्टैंड होता है आगे से कि यार जब आप एक मूवी देखने जाते हैं सिनेमा में दैट इज ऑल्सो स्क्रिप्टेड, ठीक है ना, इट जस्ट कि वो एक स्टेज्ड शो है एक जो कि स्क्रिप्टेड है, मूवी इज़ लाइक प्री रिकॉर्डेड, वो आपके सामने लाइव हो रहा होता है। सो आई गेस एक पर्टिकुलर नीश है जो कि देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। तौर पे
जो मैं समझता हूँ वो WWE वाले, उनको WWE सुपरस्टार्स कहा जाता है, बट वो एथलीट एंड सुपरस्टार्स का कॉम्बिनेशन है. मतलब उन्होंने मूव्स भी करनी होती हैं और मूव्स भी ऐसे नहीं करनी कि अगले को इंजर्ड करना है. बिल्कुल, दे आर वेरी ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स. यस, दे हैव टू रिहर्स बिफोर देयर मेन एक्टिंग और मेन इवेंट, सो दे नो हाउ टू डू दैट. बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं है कि अगर उनको कोई यू नो कोई पंचेस या कोई किक वगैरह पड़ती है तो वो फेक होती है, बाज़ दफ़ा वो असली भी पड़ रही होती है. बिल्कुल, और जो देख रहा होता है लाइव में उसको पता चला कि कहाँ पड़ी है और कहाँ नहीं पड़ी. बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि लोग अक्सर ये कहते हैं यार ये सारा एक्टिंग है, एक्टिंग है, लेकिन उस एक्टिंग के अंदर उनके स्किल्स भी हैं. यस, लाइक बिकॉज उनका जो जिस तरह से वो एथलीट हैं, जिस तरह से वो जंप वगैरह करते हैं, एट टाइम्स मार भी खाते हैं, दे हैव टू बी यू नो, दैट्स व्हाई दे ट्रेंड हार्ड. उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, उनको परफॉर्मेंस सेंटर में पहले लेके आते हैं वो. आजकल NXT स्टार्ट हुआ हुआ है. अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए कि परफॉर्मेंस सेंटर का क्या है. परफॉर्मेंस सेंटर इज बेसिकली बिलोंग्स टू NXT, जहाँ जो आपका पहला अगर वो मशहूर रेसलर नहीं है तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है. अच्छा, सही है. अब उसमें जो सेथ रॉलिंस हैं, ये सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस जो आजकल AEW में चले गए हैं, वो वहीं से आए हैं. ठीक है, ये पहले इतने मशहूर नहीं होते थे, मतलब आम से प्रमोशंस में रेसलिंग किया करते थे. ठीक है, जो कि अब ये पहले NXT में आए, वहाँ से चैम्पियनशिप जीती, किसी ने नहीं जीती. फिर ये तीनों की मैं बेसिकली एग्जांपल देता हूँ कि ये तीनों वहाँ से अपग्रेड होके मेन रोस्टर में एज अ शील्ड आए. अच्छा, शील्ड से फिर ये अपने अपने अलग अलग कैरियर्स में मूव हुए. यानी इनका भी प्रॉपर एक वो करियर पाथ है. करियर पाथ पहले NXT 2012 से पहले नहीं था, ये इन्होंने एक छोटी सी प्रमोशन स्टार्ट की, इनको नहीं अंदाजा था कि ये अपग्रेड हो जाएगी. लेकिन आजकल मेरे ख्याल 2021 तक HHH उसको मैनेज करते थे. बिल्कुल बिल्कुल, और तब जो मैनेज करते थे वो बहुत अच्छा, मतलब कि आप एक्सेप्शनल मूव्स कह सकते हैं कि ऐसी अच्छी अच्छी मूव्स करते थे कि बंदा खुश होता था कि और वाह वाह करता था. वो वाली मूव्स मेन रोस्टर पे नहीं देखने को मिलती. राइट, क्योंकि वो विंस मैकमहन थे और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बैन की होती थी, और मतलब कि ये मूव नहीं करनी क्योंकि इंजरी का खतरा है. Exactly. जैसे कंकशन हो जाती है. ठीक है, और जैसे मैं बताता चलूँ, अंडरटेकर जो अपना पाइल ड्राइवर मारते हैं, टॉम स्टोन वो भी बड़े केयर से मारते हैं, क्योंकि अगर वो सही वाला मारा है तो आपकी तो गर्दन गई. हाँ, मैं असल में जब बचपन में वो देखता था अंडरटेकर को, तो आई वाज ऑलवेज लाइक कंफ्यूज्ड कि यार ये जब इस तरह बंदे का सर जमीन पे लगता होगा तो वो तो उसकी गर्दन टूट जाती होगी. बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से उन्होंने NXT स्टार्ट किया, वहाँ से ट्रेनिंग की. राइट, और काफ़ी जो अच्छे वाले प्लेयर्स भी हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, वो वहीं से ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर मेन रोस्टर में आते हैं. अब वो स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी स्टोरी लेके आते हैं. अब जैसे LA नाइट वहाँ से आया है, उसको पहले साल में उसका नेम चेंज कर दिया और अब उसका वापस वही नेम आया. अच्छा, जो ये थोड़ा सा बताइए ये स्टोरी लाइन क्या है, मतलब बिकॉज मुझे पता है आपको पता है, लेकिन काफ़ी ऑडियंस ऐसी होगी शायद उनको लग रहा होगा ये रैंडम है, बस दो रेसलर्स आ जाते हैं और यू नो फाइट करते हैं. व्हाट इज स्टोरी लाइन? स्टोरी लाइन इज के एक है नेगेटिव रोल वाला, एक है पॉजिटिव रोल वाला. ठीक है नेगेटिव रोल जिसने पॉजिटिव रोल को आके बस घूसे मारने, जो भी उसके साथ फाइट कर रही है और उसके अगेंस्ट अगर आपकी ऑडियंस चली गई तो वो समझ लें कि वो हील बन गया. हील मतलब नेगेटिव रोल प्ले करेगा. और अगर फेस बन गया और मतलब ऑडियंस उसको सपोर्ट करती है, बेसिकली देयर ऑडियंस का बहुत इसमें हाथ होता है कि वो किसको सपोर्ट करती है. वही होती है जो जिसको ऊपर लेके जाती है, वही होती है जिसको नीचे लेके जाती और है. और इनकी काफी स्टोरी लाइन ऐसी भी हैं जो कि लाइक पिछले कोई 10-15 साल से इन्होंने चल रही हैं, वो कंटिन्यूड चल रही होती हैं. लेकिन बेसिकली ये कोई 3-4 महीने के ऊपर डिपेंड करता है, आपके 3-4 लाइव इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. फिर कभी वो हील बन के रोल प्ले कर रहा होता है, हील मतलब नेगेटिव रोल और फेस मतलब पॉजिटिव रोल, तो कभी वो फेस बन के, तो ये अपोजिट डायरेक्शंस चलती रहती हैं. राइट, क्योंकि वो मैं मुझे याद है लाइक बहुत अर्ली डेज में जब मैं देखता था लाइक अर्ली 2000 में, तो वो रेमस टीडियो का जो बेटा है वो बड़ा छोटा सा था और वो ऑडियंस बताया, वाज लाइक यार ये क्यों ले आया इसको. ठीक है,
बट नाउ आई सी उसको डूइंग द रेसलिंग, तो नाउ आई सी कि यार ये तो पिछले 15 साल से इसको प्लान कर रहे थे उस तरह से. इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि प्लान कर रहे थे, लेकिन वो एक स्टोरी लाइन तब भी बनी थी जब वो एडी गुरेरो फाइट किया करते थे. तो अभी तो वो उसको बेचारे को खुद ले आए हैं और उस बेचारों की जो डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो का जो बेटा है उसकी अच्छी खासी, और वो मेरे ख्याल में फेस तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि नहीं वो हील आजकल हील बना के क्योंकि उसने अपने बाप के साथ फड्डा कर लिया. तो बस सही सही सही. और इसमें लाइक जो स्टोरी लाइन है उसमें ये कौन डिसाइड करता है स्टोरी लाइन, लाइक कोई प्रॉपर डायरेक्टर्स होते हैं या कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं जो पहले जो था विंस मैकमैन के हाथ में ज़्यादातर था कि वो ही क्रिएटिव्स देखते थे. वैसे तो सारे ही होते हैं लेकिन बेसिकली ऊपर चेयरमैन ने हाँ करनी है तो करनी है. आजकल जब से AAA 2021 से NXT से मूव हुए हैं वो क्रिएटिव के देख रहे होते हैं. सुनने में आता है कभी वो AAA वो जिनको हम द गेम से जानते हैं, द गेम राइट, वो उनके पहले लंबे बाल होते थे और उनकी एंट्रेंस भी बहुत कमाल होती थी. बिल्कुल. तो बैक टू द पॉइंट, तो आजकल वो क्रिएटिव के हेड हैं. ओके ओके. और वो देख रहे होते हैं तो काफ़ी उनके पास जो आजकल रेसलर्स हैं वो बेसिकली NXT से ज़्यादातर हैं. ओके. ठीक है. तो उनको पता है कि मैंने उनको कैसे मैनेज किया हुआ है, उनकी स्टोरी लाइन कैसे डेवलप की हुई है. तो आजकल वही हेड है. और जो विंस मैकमैन है उनके जो बच्चे हैं स्टेफनी मैकमैन और शेन मैकमैन, वो भी अब है इन्वॉल्व इसमें या नहीं? स्टेफनी तो AAA की वाइफ है. बिल्कुल. AAA ने वैसे बड़ा अच्छा दाम मारा उसे शादी कर लिया लेकिन उस बेचारे का कुछ मिलना नहीं है. बट पॉइंट ये है कि वो भी पहले अथॉरिटी में थी लेकिन कुछ इनके अपने आपसी इख्तलाफात की वजह से वो आजकल तो साइड पे हो गई है. शेन का अपना बिजनेस है मेरे ख्याल, यही मुझे नहीं पता किस जगह पे, लेकिन वो भी रेसलमेनिया के टाइम पे तो मैच उसको मिल जाता है. आ जाता है. लास्ट ईयर ये जो इस ईयर में तो रेसलमेनिया हुई है उसमें बेचारा इंजर्ड हो गया था. मैं इसके साथ मैच था. उसके मैचेस भी वो स्ट्रीट फाइट सॉर्ट ऑफ होते हैं. हाँ वो स्नूप डॉग ने आके मुकम्मल किया बेचारे का मैच क्योंकि इंजर्ड हो गया. अच्छा एक चीज बताएं कि बड़े जो बच्चे होते हैं काफ़ी उनका एक वो यू नो दिल टूटता है जब उनको ये पता चलता है अपने चाइल्डहुड में कि यार ये तो सब फेक है. तो हाँ, मुझे भी पता हाँ, चला तो वो था. आपको किस टाइम पता चला, क्या रिएक्शन था आपका? कुछ नहीं, फिर भी देखते रहे. शौक है, शौक को तो शौक का मूल नहीं है. अब एक चीज़ आपने बताई कि जो आप लाइव इवेंट देखने गए, ऑब्वियसली वो हम 4 फ्रेंड्स थे तो हम लोग वो देखने गए थे. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. वी ड्रोव ऑल द वे टू टल्सा. सो महबूब साहब सबसे पहले तो मुझे बताया लाइक हाउ वाज द इवेंट, वो क्या फीलिंग थी, क्या वाइब थी व्हेन यू सॉ यू नो WWE लाइव, यू नो जो कि आप कभी TV पे देखते थे? पहले तो मैं टेंशन ये थी हम लेट पहुँच गए. ठीक है. लेट पहुँचने के बाद हमारे एक दोस्त ने, नाम नहीं लेना पसंद करूँगा, ठीक वो ज़्यादा शोखी मारने के चक्कर में कैमरे अंदर ले आए, जैसे वही उनको इवेंट कवर करने के लिए लगाया गया. ठीक है. वो उनकी वजह से ना मेरे दो दोस्त हैं जिनमें से एक ये भी शामिल है और वो खुद बताते खुद भी कैमरा अपने गाड़ी में रखने गए तो उन्होंने जॉन सीना की एंट्री में. हमें बेसिकली हमारा प्लान ये था कि हम कैमरास लेके जाएंगे और अपना ना खुद का व्लॉग बनाएंगे वहाँ पे, खुद कवरेज करेंगे आगे जाके उनसे पूछेंगे हेलो. वो हमारा जो प्लान है ना वो हमें फ्लॉप हो गया जब हमें एंट्रेंस के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं आप ये कैमराज नहीं ले जा सकते, नहीं लेके. एंड हमने कहा यार ये रख लो अपने पास, वो कहते हैं यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है, यू हैव टू पुट देम बैक इनटू योर कार. यस. सो दे वेंट बैक और वो 5-10 मिनट की वॉक थी क्योंकि मैं और मुस्तफ़ा शुक्र है हम लोग अंदर थे, हमने जॉन सीना की एंट्री देखी. उससे पहले ये बताएं कि लाइक जब हमने जिस जगह पे गाड़ी पार्क की थी वहाँ से बॉक्स एंटर तक जो हमारी वॉक थी उसका पहले बताएं लाइक क्या वाइब थी, लाइक एक्साइटमेंट का लेवल जो था वो तो प्रो मैक्स था. एक्साइटमेंट ऐसे था कि आप की जो वैनिटी वैन्स है ना वो कभी हमने देखी नहीं है ऐसे के वो, क्योंकि हमारा पहला लाइव इवेंट था, हम लोग ऐसे शौक अपना पूरा करने के लिए जा रहे हैं. तो वो लाइव इवेंट में जब आप देखेंगे वैनिटी वैन्स इतनी खड़ी हुई हैं, तो ऑलमोस्ट 60-70 वैनिटी वैन्स थी और वो सारा एरिया ब्लॉक था. तो काफ़ी एक्साइटमेंट. ऊपर से फिर आपके हर WWE सुपरस्टार की वो जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए थे, तो वो काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी. दिल में तो खुशी वाले आंसू थे कि ये
एक ख्वाहिश पूरी होने जा रही है जो कि कभी हमने पाकिस्तान में बैठ के सोचा नहीं था कि कभी हम लाइव इवेंट देखेंगे। वो तो इवन अल्लाह ताला, मैंने भी कभी नहीं इमेजिन किया था कि मैं लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का देखूंगा। वो तो अल्लाह ताला हमें अमेरिका ले आया और अमेरिका आने के बाद ख्वाहिश तो जागी एक दफ़ा, दो पिछले दो ढाई साल से जाग रही थी मेरे अंदर, तो जाग रही थी आपका मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पिछले साल भी एक इवेंट देख रहा था, फॉलो कर रहा था उसको, वो जो लिटिल रॉक में था जी, जी हमने जी। उसका प्लान किया था बट फॉर सम रीजन नहीं जा सके थे, तो वो उसकी वजह से हमें काफ़ी शौक था कि हम लोग ना अमेरिका तो आ गए हैं तो कोई करीब हमारा इवेंट हो तो हम लोग उधर जाएँ। तो वो जो शौक पूरा करते करते हमने सारा वैनिटी वैंस देखी, फिर उसके बाद अंदर जब हमने एंट्रेंस ली तो एक डिफरेंट फीलिंग थी, मतलब कि एक्साइटमेंट तो अपनी जगह बट वो फीलिंग के क्राउड एक इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि टल्सा में इतना क्राउड आएगा। ठीक है वो ओक्लाहोमा में काफ़ी लोग जगह से आए, जैसे हम नॉर्थ वेस्ट आर्कैनसा से आए, बेंटनविल से, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि पार्किंग का भी इशू होगा। बिल्कुल ठीक है, और इस तरह ब्लॉकेज होगी रोड्स की, फिर वैनिटी वैंस मिलेंगी, फिर अंदर जाते जाते इतनी सिक्योरिटी होगी और फैंस काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट मैंने जो पढ़ा है उसमें 10,000 के करीब फैंस थे। ठीक है, तो ये भी लॉट ऑफ फैंस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये भी वो हैं जो कि अंदर थे और आपका जो जिधर आपके मेन स्क्रीन लगती है या सारे प्रोडक्शन के लिहाज से वो सारा वो उस सेंटर के अंदर आता है। बिल्कुल ठीक है, वो पिछली सारी सीट्स कवर मतलब फ्री थी, उधर आप बैठ नहीं सकते थे क्योंकि वहां से आप देख नहीं सकते, ठीक है, लाइव कवरेज नहीं देख सकते। तो हमने तो पहला एंट्रेंस थी जी जॉन सीना की, जो जॉन सीना की दूर से था बट वो जो छोटा छोटा लग रहा था बट एक जो लाइव जॉन सीना, बस उसी के लिए गए थे क्योंकि जॉन सीना, आई गेस जॉन सीना आपके ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम यस, ठीक है, वो तो गोट है, बिल्कुल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, 16 चैंपियंस में फंस गया बेचारा हॉलीवुड की वजह से। आई वाज इन स्कूल जब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूं एंड लाइक इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, उसका स्वैग अपना था उस टाइम, वो जॉन सीना की वजह से हम गए और वहीं हमारे कुछ डॉलर तो पूरे हो गए जो टिकट्स के थे, हमें अंदाजा नहीं था जब हमने दो टिकट्स बहुत एक महीना पहले मेरे बिल्कुल तब तो पता नहीं था कि वो प्रीमियर है, हाँ सीजन प्रीमियर का भी नहीं पता था। ठीक है, सबसे जबरदस्त बात जॉन सीना, ट्रिपल एच, रेमिस्टीरियो, रोमन रेंज, एले नाइट, आई वाज एक्सपेक्टिंग ये सबको, हमने पहले डेकेड वाले भी देख लिए हाँ और इस डेकेड वाले भी देख लिए, ये सीजन प्रीमियर हमारे आई गेस ट्रिपल एच तो उससे भी पिछले वाले डेकेड में था, वो तो अर्ली 90s से भी, बिल्कुल बिल्कुल, तो आई गेस बेसिकली रोमन रेंज का हमें अंदाजा नहीं था कि वो भी आएगा, लेकिन एक वीक पहले वो भी एडवर्टाइज हो गया तो हमें और खुशी हुई क्योंकि मुझे उसका म्यूजिक बहुत पसंद था। ठीक है, उसकी एंट्री हुई, वो एले नाइट की एंट्री हुई, आजकल वो बहुत बहुत फेस बना हुआ आजकल, उसका बहुत पॉजिटिव रोल है, मुझे नहीं पता था उसका, लेकिन व्हेन आई यू नो वेंट देयर विद यू तो तब अंदाजा हुआ कि यार ये तो बड़ा हॉट फेवरेट है लोगों का जी, और उसके काफी फ्रेज ऊपर चढ़ा हुआ है सर पे सर लोगों के, यह वो जो बोलता तो काफी वो सेगमेंट था। फिर उसके बाद ब्रॉलिंग ब्रूट्स आए, प्रिटी डेडली के साथ उनका मैच हुआ, फिर आपके लड़कियों का भी थोड़ा सा मैच हुआ, बेली का मैच था, मतलब नॉर्मल मैच था, कोई इतना खास मैच नहीं था, शार्लट ने अपना बस सेव किया, उधर आस्का थी नहीं, वो ज़ेलिना वेगा थी, वो एक मैक्सिकन है, छोटी सी बच्ची सी लड़की है हमें उधर से लगा था छोटी सी है ठीक है, तो वो बेसिकली ये स्मॉल स्मॉल कैमियोज थे लोगों के। उसके बाद मेन तो हमारा, हमें ये भी अंदाजा नहीं था कि कॉडी रोड्स आ रहे हैं और क्योंकि वो पिछले हफ्ते तक तो रॉ टैग मतलब WWE यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस थे। ठीक है, वो लास्ट रॉ में बेचारों को हट गए, उसके जे यूसो के अपने भाई ने, जिमी यूसो ने, ये यूसोस ब्रदर हैं, इनके दरमियान इख्तलाफ हो गया हुआ ब्लड लाइन की वजह से, तो काफ़ी मतलब कि उनका आपस में क्लैश है, उसकी वजह से वो बेचारे हार गए, वो अंदाज़ा हमें उनका नहीं था कि वो भी आएंगे और कम्पीट करेंगे। और कॉडी रोड्स तो आजकल वैसे ही फैन फेवरेट हुआ हुआ, बिल्कुल उसका उसको रीब्रांड किया उन्होंने, रीब्रांड किया, वो AEW से वापस आया और वो मेन फोकस है आजकल
रोमन रेंस उधर हील फोकस है, इधर ये फेस फोकस बिल्कुल है. बिल्कुल ठीक है. तो एंड आई गेस राइट नाउ दे आर ट्राइंग कि रोमन रेंस भी वो किसी तरह फेस बन जाए और यू नो जॉन सीना को रिप्लेस कर दे. बेहतर यही है कि वो इसी को परस्यू करे, हील पर्सोना को, क्योंकि एलन नाइट अभी वो फेस है आई गेस. नहीं बेसिकली दे वांट टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ हल्क होगन. ओके. आई डोंट नो कि वो 2024 पे जाके उसका रिकॉर्ड टूटेगा तो तब तक शायद हमें वो क्या रिकॉर्ड है वो थर्ड मोस्ट डेज ऑफ चैंपियन. ओके ओके. ठीक है. ब्रूनो सामार्टिनो है जिसका मेरे ख्याल 2008 नहीं मेरे ख्याल को पाँच साल से भी शायद ज़्यादा ही है. 2800 डेज है शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. तो वो उतनी देर तक चैंपियन रहे थे. ये जो चैंपियन होता है ये कैसे डिसाइड करते हैं, लाइक बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस के? यस इट डिपेंड्स. लेकिन जैसे ये एलए नाइट है, इसका मैच है, इसके साथ ऑडियंस है, बट ये नहीं बनाएंगे. ये आपकी फिजिक के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है. और हाउ वाज द एक्सपीरियंस जब हम लोगों ने जिसने आपको बताया कि लाइव देखने गए थे. सो रेमस स्टूडियो थे 619, वी हैव बीन सीइंग 619 सिंस चाइल्डहुड. और सबसे ज़्यादा जबरदस्त बात ये होगी कि एक तो हम लोगों की सीट्स काफ़ी अच्छी थी राइट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. और नॉर्मली वो जो 619 जो वो एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उस साइड पे करते हैं जो कि कैमरा वाली साइड है, मेन कैमरा. लेकिन वी वर लकी इनफ के वो जिस साइड पे हम बैठे हुए थे वहां पे 619 जो है वो एग्जीक्यूट हुआ. सो आई मीन बिल्कुल सामने 619 को देखना है. हमने रे मिस्टीरियो को देख लिया, उसके मूव्स को देख लिया, सैमी ज़ेन आए उसके मूव्स को देख लिया, बिल्कुल. फिर केविन ओवन ने अपनी एंट्री की. और आई रिमेंबर वो जब वो मैच हो रहा था आप मुझे तब भी कह रहे थे कि ये क्या कहते हैं कि एक 619 इसको पड़ेगा, फिर वो एक दूसरे वाले का मूव एक होगा तो फिर ये काउंटडाउन होगा, पहले नहीं होगा. हुआ वही. और आई वाज सेइंग यार ये तो 3 घंटे का शो है, ये बस 2 मिनट रह गए हैं, इतनी 2 मिनट में क्या करेंगे. एंड यू केप्ट सेइंग कि नहीं ये 2 मूव्स होनी है फिर ही एंड होगा. और वही हुआ. होता उसी तरह. मैं तो काफी अरसे से देखता रहा हूँ. अभी मैंने कल का लाइव इवेंट तो लाइव तो नहीं देखा, लेकिन बेसिकली जब हम पाकिस्तान में थे तो हमारा टाइम बहुत मिसमैच था क्योंकि 10 घंटे 11 घंटे का. आप पाकिस्तान में भी लाइव देखते थे? मैं लाइव मतलब सुबह जब मैं ओवरनाइट जॉब वहाँ भी करता था तो मेरे 5 o'clock मेरा ख्याल स्टार्ट होता था. क्योंकि मैं तो मैंने लाइव कभी भी नहीं देखी उसने टीवी के ऊपर, लेकिन मैं वो रिकॉर्डेड शोज देखता था. रिकॉर्डेड शोज कभी कभी मैं वो भी देख लेता था. लाइव भी आपका 5 बजे आता था. ठीक है, 10 स्पोर्ट्स पे आता था. राइट. तो वो इतने जैसे हम शौकिया मजा रहे हैं. ठीक है. तो काफ़ी देखने का मज़ा भी आया. फिर सैमी ज़ेन का बताएं ट्रिपल एच आया. आई गेस वो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ट्रिपल एच आएगा. यस. बट उसने आई गेस वो सीजन प्रीमियर था, उसने अनाउंसमेंट करनी थी नए जनरल मैनेजर की. तो लो एक वो भाई हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद वो अपनी वो जो उसकी पहले वाली एंट्रेंस होती थी वैसे करेगा, बट आई गेस उसने अपने आप की एंट्रेंस चेंज कर दी. नहीं, वो एंट्रेंस वो अथॉरिटी वाली है ना, वो बेचारा अब कर नहीं सकता. एज अ प्लेयर वो अब खेल नहीं सकता, उसने रिटायरमेंट ले ली है उसका जब से हार्ट का इशू हुआ है. ठीक है. तो इस वजह से उसने अपने जब से अथॉरिटी फिगर में आता था उसने ये एंट्रेंस नहीं लेता था जिस तरह उसकी नॉर्मल होती थी. लेकिन वो बहुत अच्छी एंट्रेंस है. बिल्कुल. आई गेस वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस वी हैव सीन. अच्छा जी, एक जाते जाते एक बस लास्ट क्वेश्चन महबूब साहब के, अब आपने एक दफ़ा लाइव देख ली है रेसलिंग. ठीक है, इट वॉज अ डिफरेंट वाइब. ठीक है, वहाँ पे यू नो मैचेस भी हो रहे हैं एंड देन यू नो जब वो लाइव इवेंट के दौरान जब ब्रेक आती है तो देन वो यू नो वो यूनिवर्स कैम यू नो सारा वो कैमरा में आते हैं और पीछे वो म्यूज़िक भी होता है. इट्स अ फुल ऑन यू नो एक वाइब होती है वहाँ पे. सो नाउ जब आपने एक दफ़ा वो देख लिया है, डू यू थिंक अब आपको टीवी पे देखने का दोबारा वैसे मज़ा आएगा? नहीं, मुझे अब तो नहीं मज़ा आता. लेकिन मैंने अभी 2-3 एपिसोड्स मैंने देखी नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ा है उनका जो रिजल्ट वगैरह. इसी वजह से नहीं देख रहा क्योंकि अभी तक मेरे सर से वो चीज़ नहीं निकल रही. और टल्सा था और थोड़ा सा छोटा सा सेंटर था, बिल्कुल, इस वजह से था. लेकिन ये है कि आप फिर मैंने लाइव इवेंट देखते हुए अंदाजा लगाया कि वो इंक्लाइंड सीट होती हैं और इंक्लाइंड में ज़्यादा मज़ा आता है. अगला बंदा खड़ा भी हो जाए तो आप उससे ऊपर ही होते हैं. इसमें ये है कि हमें मोबाइल ऊपर करना पड़ता था और मोबाइल ऊपर करते करते बाजू थक जाते थे. ना वो प्रोज एंड कॉन्स है ना, जितनी करीब होगा स्टेज से फिर उसका फायदा भी ये था कि हम आई गेस हमसे पहले आई गेस हम शायद 10th रो में थे, हमसे पहले 9 रोज थी तो उसके बाद 7 ही रिंग था. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन एक मज़ा नहीं आया जो हम टीवी में देखते हैं.
टीवी में हम लोग कमेंट्री सुन रहे होते हैं, बड़ा मजा आ रहा होता राइट, उसमें कमेंट्री नहीं थी जो कि हम सोच रहे थे कि लाइव कमेंट्री भी होगी। बेचारे माइकल कोल को हमने बड़ा मिस, मैंने तो बड़ा मिस किया। बिल्कुल नहीं, वो तो डेफिनेटली कमेंट्री के बगैर तो, उसके बगैर तो मजा आ ही नहीं सकता। ऐसी है तो ठीक है गाइस, आई गेस दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे। वी वुड लाइक टू थैंक यू रूप साहब के आप आए, आपने टाइम निकाला। आई गेस बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ यू के वो एक जो चाइल्ड हुड मेमरीज थी, एक वी गॉट टू यू नो सी ऑल ऑफ दोज मेमरीज लाइव। सो थैंक यू सो मच फॉर यू नो आपने वो इवेंट ढूंढा। One goal is ticked. Yeah, lot of goals left. So, basically वो जो हम लोग इवेंट भी देखने गए थे उसके क्रेडिट भी भूप साहब को जाता है कि आपने बहुत पहले से वो इवेंट ढूंढा हुआ था। हम लोग सारे इकट्ठे थे, हम लोगों का दिल था और खुशी है कि इस बात की कि हम लोगों ने इकट्ठे चारों ने मिलकर प्लान किया। बिल्कुल, हम बिल्कुल, लोग और बड़ा मजा आया बिल्कुल, और एक डिफरेंट वाइब थी। yes, तो बिल्कुल और वो वाइब उतर नहीं रही इस वजह से लाइव वो हम टीवी पे देख भी नहीं रहे। और आई गेस वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड भी था, लाइक 10,000 पीपल इन अ सिंगल प्लेस राइट। और जब आप निकले भी हैं वहाँ से तो फीलिंग पता भी नहीं चला, और फीलिंग ऐसी आ रही थी जैसे आप सिनेमा से एक मूवी देख के निकले हैं। yes. राइट, बिल्कुल वही वाइब थी। उसी तरह लोग बाहर निकल रहे थे और जिस तरह मूवी खत्म होने के बाद आप सिनेमा हॉल में ही बाहर खड़े होकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये ऐसे था ऐसे था, बिल्कुल वही इन्वायरमेंट था। तो इट वॉज वेरी गुड, आई मीन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो इतना ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होगा। बहुत अच्छा इवेंट था एंड हमारे निकलते निकलते उन्होंने वो सारा बैकअप भी करना शुरू कर दिया बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा ख्याल है उधर से उन्होंने रॉक करने के लिए ओक्लाहोमा सिटी जाना था। अच्छा, तो शायद वही प्रोडक्शन में जाना होगा। अब एक ही बेचारों ने अगर रखी हो, शायद एक ही रखी हो, शायद मैं गलत हूँ, तो अगर एक ने जाना है तो उसी टाइम खोल खाल के उन्होंने उधर जाके फिट करना ना। चलो जी, थैंक यू सो मच मूप साहब, आपने टाइम निकाला, वी आर ऑनर्ड कि आप आए एंड इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।